हेलो हाय नमस्कार मु प्रियंका साहू आपण मानक वेलकम करुच्ची साई स्टडी क्लासेस को फास्ट आज आज जो क्लास टा स्टार्ट करिबा फर्स्ट टाइम आमर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रोची तो ये फर्स्ट क्लास तापाई रहिबो आमे धीरे धीरे कंप्लीट करिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक माइंड रे तो अच्छे तीन चार वर्ष क्वेश्चन कंप्लीट करिया तो आज पॉसिबल आज आम क्विकली कंप्लीट करिया पई ट्राई करिबा तो एग्जाम पूर्व मु भावुँ जी क्वेश्चन करेबी तो आपण मैंने टिके जदि लेबर करेंगे तो बेस्ट ना एतिक भी कले आपण मैं काफी तो टाइम वेस्ट न करके चलते स्टार्ट करदे आज क्वेश्चन फर्स्ट आमर रोच व्हाट इज द फोरमोस्ट एम ऑफ एन इनक्लूसिव एजुकेशन सेटअप इनक्लूसिव एजुकेशन सेटअप मेन एम कौन रोच अच्छा इनक्लूसिव एजुकेशन रो मेन एम कौन रोचे एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टी इन रेगुलर स्कूल्स जनरली आम इनक्लूसिव एजुकेशन कहले कौन बुझे ना इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स आमर जो फिजिकली डिसेबल्ड था स्टूडेंट विथ जो मैंने पूरा परफेक्ट था मिसेक रेगुलर स्कूल पढ़ेटा को आम कहते इनक्लूसिव एजुकेशन दैट्स वाई द फर्स्ट आंसर गोज टू बी राइट फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओके बाकी अदर ऑप्शन गुड़ा को भी देखीदे टे एक्चुअली मो पाखे स्टैंड ना एबे तो टिके कैमरा हल्लुची तो डोंट माइंड दैट एजुकेटिंग एजुकेटिंग चिल्ड्रेन हु आर टैलेंटेड माने से कहे कि इनक्लूसिव एजुकेशन रो मेन एम हूँ एजुकेटिंग चिल्ड्रेन हु आर टैलेंटेड जो मैंने टैलेंटेड आम पढ़ेबा नो दिस इज नॉट राइट एजुकेटिंग इन ए होलिस्टिक मैनर हाँ एजुकेटिंग इन ए होलिस्टिक मैनर मीन्स ऑल एक्सेप्ट आम डेवलपमेंट कराइबा हाँ यहाँ इनक्लूसिव एजुकेशन राइट देन एजुकेटिंग रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रेन टुगेदर से कहे कि रूरल एंड अर्बन एरिया पिला एकाठी करके पढ़ेबा हाँ मे भी ठीक है पारे बट मोर एप्रोप्रिएट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए कहीं एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टी इन रेगुलर स्कूल्स ओके केतेटा ठीक करछंती आउट ऑफ 20 मते जणेबे एंड देन जदि किछि डाउट्स रहूछि मते कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा द एबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दैट इज मेमोराइज्ड एंड रिप्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड इज द रिफर्ड टू एज डैश एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स आमर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करिबा दैट इज मेमोराइज्ड जोटा कि आमर मनरे रही स्टोर करिबा एंड रिप्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड इज रिफर्ड टू एज मैंने जितेबाला दरकार आम पुणे बाहर करिबा अच्छा आम मन रखाटा को आम कौन कहते माइंड रे स्टोर करके रखाटा को आम कहते रिटेंशन रिटेंशन मीन्स मन रखा देन आउ थे मन पकई कि तो सेटा को आम कहते रिकल करवा रिकल मीन्स मन रखी आउ थे कहवाटा को कहते रिकल ओके बुझेगा तो हाँ अदर ऑप्शन गुड़ाक भी देखीद मेमोराइजिंग हाँ स्टोरिंग करके रखा वन टाइप ऑफ मेमोराइजिंग हो पारे बट फॉरगेटिंग रेस्पेक्टिवली फॉरगेटिंग से देखिए कौन द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इनफॉरमेशन दैट इज मेमोराइज्ड जहाँ मन अच्छी ताको स्टोर करके रखाई एंड रिप्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड इज रिफर टू वाच जितेबाला पुणी थे मन पकईवा तो फॉरगेटिंग यहाँ कौटू आसला पुणी थे मन पकड़ क्या कौन मैंने रिकल हम ना ये सेमती रिकल रिटेनशन ए कन्फ्यूजन आने कथा नुहे रिकल माने आम मन पकेबा किंतु से फास्ट देखिए स्टोर करने कथा तो यहाँ हेनी ऑप्शन नंबर थर्ड टा ठीक आंसर ठीक अच्छे देन 10+2+3 इयर्स स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय फर्स्ट थिंग 10+2+3 व्हाट इज 10+2+3 यहाँ कौन कोठारी कमिशन रहा पार्ट गोटे या मान हूँ फास्ट पिला 10 इयर स्कूल एजुकेशन कर ठीक अच्छे तापरे 2 इयर जूनियर कॉलेज मीन्स आम प्लस टू कॉलेज जो सब रोज दैट आर जूनियर कॉलेज देन प्लस थ्री मीन्स आम जो डिग्री कॉलेज रोच यहाँ बिलंगस करुच्छे ए जो सिस्टम को ठीक अच्छे तो ताने यहाँ कोठारी कमिशन रट तो ये आज किसी बेसी बड़े तुड़े कि कहवा किसी आवश्यकता अच्छे मुझे भावुनी
तो ये मन रखिए 10-2-3 ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोठारी कमिशन। ठीक अच्छे देन कोठारी कमिशन स्टार्ट के यहाँ फास्ट स्टार्ट होता 1964 रे। ये टिके टिके हिंट्स या भी सब मन रखा नि दरकार कहीं ना सब भी एग्जाम के आसी जाऊँच। तो कोठारी कमिशन स्टार्ट के 1964 रे। रिपोर्टिंग के तार रिपोर्टिंग होता 66 रे। मैंने ये 2 ईयर गैप रोचे आमर स्टार्टिंग फेज एंड तार रिपोर्टिंग फेज भितर। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट आम रोच द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इनफॉरमेशन कल प्लस टू प्लस थ्री कल द एम ऑफ ए पर्टिकुलर क्लासरूम सीजन वाज टू पुट फोर्थ बिफोर स्टूडेंट्स ओनली ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड साइंटिफिकली वेरिएबल इनफॉरमेशन। दिस क्लासरूम सीजन इज डिजाइंड बाय व्हिच टाइप ऑफ टीचर। जो क्लासरूम रे ये सब देखो ये सब पूरा रियलिस्टिक वे रे हो। द एम ऑफ पर्टिकुलर क्लासरूम सीजन वाज टू पुट फोर्थ बिफोर स्टूडेंट्स ओनली ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पूर्व पे एक्टिव करेबा किसी गोटे सीजन नवा से टाइप रो एम एंड साइंटिफिकली वेरिएबल इनफॉरमेशन। साइंटिफिकली वेरिएबल इनफॉरमेशन कहले कौन बुझा ना पिला साइंटिफिकली वे मीन्स पिला द वे टू एक्टिव द चिल्ड्रेन। ओके तो इन व्हिच केस वी एक्टिव द चिल्ड्रेन दैट केस बिलोंग्स टू रियलिस्टिक वे। ठीक अच्छे ना एंड आइडियलिस्टिक वे नेचुरलिस्ट नेचुरलिस्ट मीन्स आमर नेचर उपर जी तो से गुड़ाक नुहे एटा रियलिस्टिक वे हम बात मन रखु जत पा कि गोटे रियल वे रे पाठ पढ़ा होटा रियलिस्टिक वे। या भितर भी जदि किसी डाउट रहा कथा तो नुहे जदि भी रोचे तेल मत कमेंट सेक्शन में जनातु आई विल ट्राए टू इरेज योर डाउट। देन 25 The settled principle, tenets, working rules, or general truths through which form of teaching becomes interesting, easy, and effective. से कहे कि the settled principle, tenets, working rules, general truths through which form of teaching becomes interesting. ता मैंने total पर question पर ऐसे की बुझा पड़ चुकी मैंने जो teaching method था teaching को बेसी effective करे आउ इंटरेस्टिंग करे तो सही टाइप रो टीचिंग को आम कौन कहवा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ताले मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कौन देखु एमती पढ़ु जमी क्लास रे जहाँ पढ़ाऊँ बस एति की टाइम भितर ही कवर अफ हो आपण मानते आते टाइम ना जे बसिकी पुणी थे देखिए एट ए टाइम कवर अफ कर दिं बार बार पढ़ापाई टाइम एवं तो ना तो बेसी टाइम वेस्ट करूँ आती कह आउ गोटे कथा कह जहाँ जहाँ पढ़ा होती तो कवर अप करूँ जो नेगेटिव मार्किंग जेहेतु अच्छी अंदाज किसी मारे जहाँ सियोर थे मारे। ठीक अच्छे सब देखिए 4टा ऑप्शन भितर कौ 3टा सिमिलर लगुच आ कौ गोटे डिफरेन्ट लगुच जोटा डिफरेन्ट लगुच चूज करेंगे किसी नेगेटिव साइड थाए नेगेटिव पॉइंट्स थाए आग क्रॉस मारिदेवे तो एमती टाइप रे करेंगे आउ बाया पगला है कि भूल भाल करेंगे। ठीक अच्छे जोटा मानने कन्फ्यूजन थी से जमा टिक मारे देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनवायरनमेंट्स आर लाइकली टू हेल्प एडीएसडी। एडीएसडी कौन ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ओके एटा कौन ना जो पाखे अटेंशन कम थाए क्लासरूम से ठीक से अटेंड करपारती कौन पढ़ा कौन ना तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट आर लाइकली टू हेल्प मैंने या भितर कौ 4टा ऑप्शन भितर कौ एमती गोटे ऑप्शन अच्छे जोटा कि हेल्प कर तो किए से ऑप्शन टीचर हाज ए वेरी स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट सिटिंग इज फिक्सड एंड टाइम टेबुल इज फिक्सड टाइम टेबुल फिक्सड करदे
सेटिंग अरेंजमेंट को भी फिक्स्ड कर दबा तो टीचर कौन करिबो तापर पढ़ेबो टीचर बी कौन करछि ना टीचर बी लाइक्स एवरी चाइल्ड टू डू टास्क ऑफ लिसनिंग माने से एमिति किछि टास्क करूछन्ति कि पिला खाली सुनिबे आउ कहिबे पढ़िबे आउ लेखिबे तो फास्ट कथा तो तार अटेंशन रे डेफिसिट होछि तो ताको जदि हमें काम से तो अटेंड करूनी ठीक से कथा ताको जदि हमें लेखा पढ़ा करिया पे दबा से बिल्कुल भी लेखिबनी तो आम दबाटा ही आम बोकामी होपे टीचर सी कौन कला टीचर सी डज ए लॉट ऑफ बोर्ड वर्क पुणी ये सेमती काम लोड पकईदेला पिला के काम करने पसंद करें तो किसी आम लोड दे पारानी बुझे बुझे कि जी पढ़ेगा देन टीचर डी इज फ्लेक्सिबल से कौन हो गले ना फ्लेक्सिबल हो गले चिल्ड्रेन चूज देयर सिटिंग एंड टास्क तापर पिला कौन कले निजर कम्फर्ट अनुसार बसिले पढ़िले तो हाँ दिस ऑप्शन इज सीन टू बी राइट देन 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बुझापाई को मेथडटा मोर प्रेफरेबल यूजिंग एटीट्यूड स्केल टू असेस एटीट्यूड मे भी हो पारे यूजिंग साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्केल चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन देखंतु आमर जो इंस्ट्रूमेंट लाइक स्केल रोचे स्केल रे पिलार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानिया पई हेले हमको तार डिटेल्स जानिबा को पड़िबो डिटेल्स हम केमती जानती ताको ऑब्जर्व करी तार प्रेजेंट ऑप्शन चेकलिस्ट रो जानी देन आ कौन बस तार साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स देखो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जानिया पई साइकोलॉजिक इंस्ट्रूमेंट दरकार तो या धीरे बेसी दिमाग लगेले ही खराब एतिक रे ही बुझी जंतु साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जानिया पई हेले हमको साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट रो आवश्यकता रहिची हैला तापरे यूजिंग अचीवमेंट टेस्ट टू असेस अचीवमेंट छोड़ो एटा तो ठीक आंसर हो गला तापरे यूजिंग पर्सनालिटी टेस्ट पिलार केमती करबा से तो एते छोटो पिला तार पर्सनालिटी कोठो आसीबा हम टेस्ट करिया तको ठीक अछि देन इमोशनल इंटेलिजेंस कौन ना इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन एक्यूरेटली एंड एडेप्टेबली एटा देखो ये पूरा परफेक्ट आमर इमोशनल इंटेलिजेंस हम केतबेले कहते ना जेतबेले गोटे पिला गोटे जिनस को एक्यूरेटली बुझी पारुचे एडाप्ट करि पारुचे तो सेतबेले हम तो कहया कि इमोशनल इंटेलिजेंस यार अछि आ गोटे एटा तो ठीक ऑप्शन तापर बाकी ऑप्शन गुडा को भी चेक कर देबा द एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस रेदर देन इमोशन इन मेकिंग जजमेंट्स आमे जेतबेले जजमेंट करिबा आमे कोन करिया ना द एबिलिटी टू यूज इंटेलिजेंस रेदर देन इमोशन माने इमोशन थारु आमे इंटेलिजेंस को बेसी यूज करिबा इमोशनल इंटेलिजेंस तो ये सिंगल वर्ड या को ब्रेक कहीं करिबा आमे द एबिलिटी टू रिले ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी द एबिलिटी टू रिले ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी इमोशनल स्टेबिलिटी को रिले करिबा रेदर देन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को आमे कोन करिबा ता बदल रे आमे आकु रिले करिबा द एबिलिटी टू बी इंटेलिजेंट एंड कंट्रोल योर इमोशन ना एटा कोन होची ना आमे इंटेलिजेंट पावर एते बढ़ेबा जे आमर इमोशन को आमे कंट्रोल करि परबा हाँ एटा मे बी हे पारे बट मोर एप्रोप्रिएट आंसर होची द एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन एक्यूरेटली एंड एडेप्टिवली आमे आमर इमोशन को ठीक भाबरे एक्सप्रेस करि परबा नियति दरकार सेटा हला इमोशनल डेवलपमेंट देखो आमे जतबेले क्लास 1 रे पढुतिले आमर किछि प्रॉब्लम होतिले आमे टीचर मन को कहि परनुतिले बट जतबेले आमे हायर क्लास को गले किसी भी प्रॉब्लम हो किसी भी रिक्वायरमेंट हो आम सागे सागे जन पार्टी कि टीचर मत यहाँ दरकार सेटा दरकार तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस के एज अनुसार मेच्युरिटी अनुसार आसे आउ एबिलिटी टू परसीव एंड एक्सप्रेस यहाँ आम एक्सप्रेस कर पार्थ्वा दरकार यहाँ है इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेयर वाज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ऑन 19th December 2016 अनवील्ड अच्छा फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एटा के एटा कानपुर रे अछि ठीक अछि एटा के बाहर करथिले नरेंद्र दामोदर मोदी ठीक अछि एटा काई के बाहर करथिले ना तांकर गोटा एम थिला कि हमरो इंडिया को कौन करिया पाई ना हमरो इंडिया को
ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କିଲକୁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାର ଇରାଦା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବାହାର କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାନପୁରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏନ୍ ଏ ଟିଚର୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ସମଥିଂ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଭାବନ୍ତି, ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିଚିଂଟା ଠିକ୍ ହୁଏ? ଏଇଟା ଭର୍ବାଲ, ଏଇଟା ଭର୍ବାଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମେମୋରାଇଜିଂ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମିନ୍ସ ସେପାରେସନ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ମୋଟର ମିନ୍ସ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେବନି। ମେମୋରାଇଜିଂ ମିନ୍ସ ଆମର ଭର୍ବାଲ, ମାନେ ଆମେ କହିବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମେମୋରାଇଜିଂରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ ତ ଆମର ନଲେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ମାନେ କଗ୍ନିସନ୍ ମିନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନଲେଜ୍, ତ ଏଠି ନଲେଜ୍ର କଥା କିଛି ଆସୁନି କାହିଁକିନା ଆମେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା, ତ ଭର୍ବାଲଟା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ବାଲ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସର୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ସ୍ପାମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏଇଟା ବି ସେଇ ADHD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ କମ୍ ଥିବ, ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ୍ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ପିଲାର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏମିତି କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ଦ ଟିଚର୍ ଶୁଡ୍ ଟେକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଜନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ବ୍ରେକ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ପଢ଼େଇବା, ସେମିତି ବି କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ କି ଆମେ ଯଦି ବାର ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥିବ। ଟିଚର୍ ଶୁଡ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ମଲର୍ ପାର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟିଚର୍ ଶୁଡ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ମଲର୍ ପାର୍ଟ୍ସ, ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ୍ କରିକିନା ପଢ଼େଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର୍ ଯଦି ମୁଁ ଏକାଥରକିନା ସବୁ ପଢ଼େଇଦେବି, କିଛି ଦିମାଗରେ ପଶିବନି। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ପାର୍ଟ୍ କରିକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବି, ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେବ ଆଟେନ୍ସନ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିକି କରୁଥିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ବାୟା ହେବେନି, ବାର ବାର କହୁଛି, ଜମାରୁ ବାୟା ପାଗଳ ହେବେନି। ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ଯେମିତିକି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, କି ସବୁବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ, କେଉଁଥିରେ ପିଲାର ଭଲ ହେଉଛି ସେଇ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ ସବୁବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅରବିନ୍ଦ, କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେବଲ୍ସ? ଆଚ୍ଛା, ଅରବିନ୍ଦ ଚାରିଟା ଲେବଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲେବଲ୍ ଚାରିଟା ଯାକ ଏଇଟା। ଏଇଟାରେ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଏନର୍ଜି ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ମାନେ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତା'ର କ'ଣ ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ବାସ୍ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସେ ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ତ ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପରମ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଲା ସୁପ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିହାତି ସତ, ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ। ସେ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନସ, ଚିତ୍ତ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍, ଏହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଚାରିଟା ଲେବଲ୍ ହିଁ ଅଛି ସେଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମର ପରମ ସତ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାନସ, ଚିତ୍ତ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନଲେଜ୍, ଏତିକି ତ ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ? କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ସିମିଲାର ଫିଚର୍
और फंक्शन डेटा हम। से देखिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट फीचर्स, गोटे कैटेगोरी आम कैटेगोरी मान कौन गोटे गोटे पर्टिकुलर जिनस को भाग भाग करदे सेटा है गोटे कैटेगोरी भितर एति सब जिन रोचे आम ह्यूमन कैटेगोरी। ह्यूमन कैटेगोरी पुणी कास्ट डिविजन आसूच बुझिपार्चे कि ना कैटेगोरी मान कौन कैटेगोरी मीनस गोटे पर्टिकुलर जाति को आम भाग भाग करदे तो येटा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर को हमें भाग भाग करदे सेटा। फर्स्ट ऑप्शन दे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फीचर। डिफरेंट फीचर तो डिफरेंट हेटेरोजेनियस हो जाए ताको हमें कैटेगोरी केमती कहवा कैटेगोरी मीनस एका जिनस कैटेगोरी करा जाए। ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये कौटू आसला कैटेगोरी भितर। ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन से कहे कि इंस्ट्रक्शन दबा आउ इवैल्यूएट करबा एटा गोटे कैटेगोरी एटा केमती कैटेगोरी हम एटा तो गोटे इवैल्यूएशन गोटे प्रोसेस हो। देन 24 सब बड़े एमती भाविकिना करेंगे टीचिंग एप्टिट्यूडा आपत बुझी अंडरस्टैंडिंग बेस कर तो सब बड़े बुझाक ट्राए करूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी क्लासिफाइड एज लर्निंग इन ए क्लासरूम। लर्निंग इन ए क्लासरूम ठीक अच्छे। टेम्पोररी चेंज ड्यू टू मैच्युरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी क्लासिफाइड आज लर्निंग इन ए क्लासरूम। क्लासरूम लर्निंग रे कौन क्लासिफिकेशन विषय पचारिछि ठीक अच्छे। टेम्पोररी चेंज ड्यू टू मैच्युरेशन। मैच्युरेशन जो टेम्पोररी किसी चेंज चेंज करदे मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर। एटा देख टेम्पोररी चेंज किसी सेमती करा जाए क्लासरूम कि आम टेम्पोररी ये सब चेंज कर पुणी किसी दिन पर बदल एमती किसी आम करें कहीं मैनेज करहबनी ये सब करी। देन ऑप्शन बी मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिहेवियर जहाँ बर्तमान बिहेवियर अच्छी मॉडिफाई करवा एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। आम सब आमर जो प्रीवियस नॉलेज थाए प्रीवियस नॉलेज रे आम न्यू नॉलेज को ऐड करती तो ये गोटे पॉजिटिव जिनस अच्छी। अपीयरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर ओनली देखते जो ओनली टर्मटा ना ये बहुत ही खतरनाक या सब काटिदेवे से कहे कि केवल न्यू बिहेवियर को आम एक्वायर करवा सहीटा है लर्निंग सिस्टम नो केवल तापर दे ऑप्शन फोर मॉडिफिकेशन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिहेवियर ओनली मैंने जहाँ आमर बिहेवियर अच्छी मॉडिफाई करवा सहीटा ही केवल लर्निंग क्लासरूम लर्निंग जा सेमती ना आम जहाँ नॉलेज अच्छी ताकू रखुचे विथ न्यू नॉलेज को ऐड करुचे आउ पुराना नॉलेज को मॉडिफाई करुचे जोटा कि आम शिखी नीले धीरे धीरे शिखुं तो मॉडिफिकेशन केमती होउचे ना न्यू नॉलेज एंट्री करिवरु तो ऑप्शन बीटा होउचे ठीक। ये सब भूल रोचे जो भी देखिए ओनली टर्म ताको काटिदेवे एगुटा सब छोट छोट कथा बट बहुत काम आसो कि जो भी ओनली थी काटे से गोटे नेगेटिव वर्ड फुल्ली बट मैक्सिमम कौटी 99.9% रे भूल किंतु गोटे परसेंट कौट थी जोटी की ओनलीटा ठीक आंसर थी तो मैंने नुहे मुझेदेली बोले आप सब काटिदेवे देखिक टी का 25 मदर टंग आज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एम्फासाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मदर टंग आज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एम्फासाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग या भितर कहा द्वारा मदर टंग को बेसी एम्फासाइज दिया जाए होलिस्टिक एजुकेशन रे ना ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन रे ना बेसिक एजुकेशन देखो आमर मदर टंग को आम बेसिक एजुकेशन ही यूज करू ना कि आम जो बड़े हायर क्वालिफिकेशन बाहर को जाऊ कि हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करूँ से आम मदर टंग को एम्फासाइज दू नु बेसिक एजुकेशन ही आम केवल मदर टंग को एम्फासाइज दू ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आमर ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग आमर किए किए रोच फास्ट रोज करिकुलम तापर रोज पेरेंट सॉरी सॉरी तापर रोज टीचर तापर रोज स्टूडेंट बा टीचर स्टूडेंट करिकुलम किए पढ़ किए पढ़ेबो आउ कौन पढ़ेबो एतिक जिनस एटा केते केते जगार कंटेंट्स भी लिखि थाए करिकुलम जगार कंटेंट्स भी लिखि थाए तो सेटा को माइंड रे रखिबे कंटेंट्स टीचर एंड स्टूडेंट पेरेंट रो किसी भूमिका नहीं बट योर आंसर इज पेरेंट्स किंतु एटा भाबुच एटा आंसर भूल देछि मु तो सब आड़े भी देखी चेक कली काले मोर भूल थिबो बट सब आड़े ही अछि कि हमर ट्रायंगुलर प्रोसेसटा हमर
करिकुलम टीचर स्टूडेंट को लेकिन होती प्यारेन्ट्स रिच्छ भूमिका ही से ना तो यहाँ आंसर भूल अच्छे चेक करने पे भल से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ए भितर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट डिफरेंस कौन ए फॉर्मेटिव देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट मन अच्छे कि नहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट होची जोटा ड्यूरिंग क्लासेस जोटा चले ठीक अच्छे समेटिव असेसमेंट होची दीटा एफएमएस गोटे एसए आसे माने फॉर्मेटिव असेसमेंट दी थर हेला गोटे समेटिव असेसमेंट हुए जो थे कि पिला राइटिंग करे राइटिंग करके तार ओवरऑल नॉलेजटा से कौन कौन पढ़ी ना आमको जनाए ठीक अच्छे तो एसएटा है कौन जो षाड़मासिक परीक्षा कहते सहीटा आउ एफ हेला जो यूनिट टेस्ट टाइप माने जो पढ़ा चली था से टाइम जो एग्जामटा हुए से एफए आउ भी एफए कहींपर सपोज मुझे पढ़ाऊँ सपोज आपण मैंने मो आगे अच्छा तो मुझे ये किसी गोटे क्रॉस क्वेश्चन करी तो सहीटा भी एफए रे जी मैंने ड्यूरींग क्लासेस जहाँ चले सहीटा है एफए एसए है आफ्टर द सीजन माने जो गोटे कम्प्लीट कलापर सीजन जहाँ चले सहीटा है एसए ठीक अच्छे तो ये ऑप्शन को जी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ओरल टेस्ट सपोर्टिंग लर्निंग बट ए समेटिव असेसमेंट इज ए रिटेन टेस्ट से कह फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ ओरल आटा है रिटेन एमती कौटी लिखाई ए समेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू टेस्ट मास्टरी ऑफ कंटेंट बट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट्स लर्निंग यस इट मे बी ट्रू देखा नेक्स्ट ऑप्शन को जी ए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए इयरली टेस्ट से कहते कि फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे इयरली टेस्ट यहाँ तो पूरा भूल जाए कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट आम इयरली टेस्ट नुहे से ड्यूरींग द क्लासेस चले सेटा तो यहाँ ऑप्शन सीटा भी भूल गला समेटिव असेसमेंट इज फॉर इनफॉर्मेशन से कहते कि समेटिव असेसमेंट इनफॉर्मेशन हुए ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स मानक इनफॉर्मेशन हुए नो एमती किसी भी जिनस ना कि जो थे पेरेंट्स मैंने किसी काम करेंगे ठीक अच्छे तो ऑप्शन बीटा होची ठीक आंसर है समेटिव असेसमेंट हेल्प टू टेस्ट मास्टरी ऑफ कंटेंट माने कंटेंट रे जहाँ आम मु तुमको हो पारे मुझे माने आपण मानको फ्रंट रे अच्छी जहाँ पढ़ेली केते पढ़िले सेटा जानिबी क्रॉस क्वेश्चन पचारे ही जानिबी तो केते मास्टरी गेन कले पर्टिकुलर चैप्टर रे केते मास्टरी गेन कले सेटा जानिया पई फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए बट ए सॉरी टोटल कंटेंट उपरे केते जानिले सेटा जानिया पई आमे कोन करंती ना सेटा समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव हेला जोटा पार्टली जानती फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट्स लर्निंग माने कोन पढ़िले कोन नहीं जोटा हमकु जणई दे सेटा हेला फॉर्मेटिव असेसमेंट आउ थरे कहि दोजी फॉर्मेटिव असेसमेंट माने होची जोटा अल्प ज्ञान जति कि आमे सपोज गोटाए क्लास रे जति कि ज्ञान जिबा कथा गल्ला कि नहीं सेटा जानिबाटा हेला हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा ड्यूरिंग क्लासेस चले एंड आफ्टर द क्लास आफ्टर द सीजन जोटा चले से समेटिव असेसमेंट जोटा कि आम षाणमासिक परीक्षा माने कौन से परीक्षा हुए परीक्षा हालापर पिला टोटाल छमास भितर कौन कवरअप करें जना जाए ठीक अच्छे समेटिव असेसमेंटा टी बड़ फॉर्मेटिव असेसमेंट ये मन रखु देन कही बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग क्लासीफाइज टास्क इनटू सिक्स कैटेगोरीज अच्छा आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपण मैंने जानते कि नहीं मुझे तो जानी फिर भी आउ थे कहीदे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हूँ थ्री तीन टा लेवल रही है वन टू थ्री तीन टा लेवल फास्ट हूँ आमर साइकोमोटर तापर रोच तो राइटिंग कर एटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमीटा हम जब मुझे आप पीडीएफ शेयर करदेवि ना जदि गूगल सर्च करके पढ़ीदेवे भी भल ना मुझे कहीदे शुण दिंतु तीन टा स्टेप रोज तार फास्ट रोज कॉग्निटिव डोमेन मुझे लिखुनि बास कहीदे खाली शुणु कॉग्निटिव डोमेन तापर रोज सेकेंडटा आमर अफेक्टिव डोमेन तापर रोज सेंसरी मोटर डोमेन ठीक अच्छे कॉग्निटिव डोमेन आमर कौन नॉलेज रिलेटेड ठीक अच्छे तापर कॉग्निटिव
पुणी यार भी क्लासिफिकेशन अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आमर नॉलेज उपरे डिपेंड करुची देन अफेक्टिव होउचे आमर फीलिंग्स उपरे डिपेंड करुची देन थर्डटा होउचे आमर साइकोमोटर बा कॉग्निटिव ठीक अच्छे साइकोमोटर बा कॉग्निटिव अच्छा आमर कॉग्निटिव डोमेन जो रोचे सेटा नॉलेज उपरे बेस करुची ब्लूम्स कहले जे आमर लर्निंग पई को जिनस दरकार फर्स्ट हला कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज दरकार देन अफेक्टिव डोमेन मीन्स आमर कौन दरकार पढ़ापी फिल करवा दरकार पाठटा को फिल करवा दरकार फिल नक आम इंटेलिजेंस पावर डेवलप हेनी देन साइकोमोटर साइकोमोटर मीन्स आमर हैंड रिलेटेड मीन्स आम किसी कम कर दरकार सेटा है साइकोमोटर ठीक अच्छे तो पुणी कौन है ये जो कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन पुणी सिक्स टाइप्स रो ठीक अच्छे आउ कार क्लासिफिकेशन बेसी मन रखा दरकार नहीं प्लस कॉग्निटिवटा को मन रखुदूँ से सिक्स टाइप्स रो फर्स्ट टाइप्स कौन ना आम नॉलेज नॉलेज मीन्स एमती गोटे ट्रायंगुलर शेप रे थिबो छोटा थिबो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छोटा थिबो तो ये फर्स्ट हला नॉलेज बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग होउछ फर्स्ट हला नॉलेज तापरे फर्स्ट नॉलेज मीन्स आम किसी जिनस को घुसवा गोटे है पारे छोट बेले आम पणकिया घुसुले आम कौन बुझी पणकिया कौन तापरे आम कौन करवा कंप्रेनसन माने एक्सपांडली बुझा जिनसटा कौन अंडरस्टैंडिंग जोटा कि है फास्ट नॉलेज तापरे कंप्रेनसन तापरे तार आप्लिकेशन मीन्स आम कौट कौट आप्लाय करवा मल्टीप्लिकेशन रे आप्लाय करवा कौन क्या शिखी जा सीटा है आप्लिकेशन आप्लाय करवा आनालीसीस आनालीसीस करवा कौन भांगी भांगी किना आनालीसीस करवा ये जिनसटा कौटी रही है कौन ना किसी न्यू जिनस अच्छे कि ना से सब देखार अच्छे भांगी भांगी की बुझा आनालीसीस रोचे सिंथेसिस सिंथेसिस मान हो कि जहाँ भांगी भांगी कि आम बुझीदा जॉइंट करदे है जॉइंट जोड़ापे ताधर किसी गोटे न्यू नॉलेज बाहर वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट सेमती सेटा को भाबे तापर इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन मीन्स आम कौन कले ना ताको इवैल्यूएट करवा जदि दिमाग रे पसुचे तो भल कथा न पसुचे जमा भी भल कथा नुहे देखंतु तापर ये कौन देछि से देछि कि टू व्हिच कैटेगरी डज द फॉलोइंग टैक्स बिलोंग्स टू माने ये जो तळ टैक्स का जो देछि सेटा को कैटेगरी के बिलोंग्स करछि कंपेयरिंग टू डिफरेंट ग्राफ्स एंड टेलिंग वेदर चिल्ड्रन ऑफ द इनर सिटी स्कूल्स डूइंग बेटर एट रीडिंग स्किल्स देन दैट ऑफ द रूरल स्कूल्स माने से कहि कि आमर जो रूरल एरिया रे जो पिला माने रहिछन्ति से मानकर रीडिंग स्किल टिके कम रहुछि एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज स्टूडेंट अर्बन एरिया बा सिटी एरिया रे जो पिला सब पढ़ुछन्ति तांकर रीडिंग स्किल टा टिके बेसी रहुछि आमर रूरल एरिया रे पिला मठारु एटा केमिति आमे जानिले एटा काहा को बिलोंग्स करुछि एनालिसिस माने एटा आमे एनालिसिस करके जानिले ना यहाँ इवैल्युएशन करके जानले ना यहाँ सिंथेसिस ना आप्लिकेशन यहाँ एक्चुअली यहाँ हवा कथ आनालीसीस कहीं आनालीसीस आम ये सब जिनस जापारती बट आपर आंसर देखिए इवैल्युएशन यहाँ अकॉर्डिंग टू 1906 या सॉरी 56 या अनुसार देखिले इवैल्युएशन टा ठीक जोटा कि आंसर सीट्रे अच्छे बट एबे जो 2001 जो नुआ रीतिटा आसला से कौन देना आनालीसीटा उपरे रोचे कहीं सबको आनालाइज कराए तो जहाँ आंसर सीट देसार जवा इवैल्युएशन यहाँ भी ठीक यहीटा भी ठीक एबे का अनुसार आनालीसीस ठीक बट देखु आंसर यहाँ तो इवैल्युएशन जवा ठीक अच्छे देन 29 व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मानक फास्ट आईटी कैंपस कौटी होता फास्ट आईटी कैंपस तेलंगाना रे होता युवा वन टाइप ऑफ जीके रोचे तो या मन रखे तेलंगाना होता हैदराबाद रे देन लास्ट क्वेश्चन व्हाट डज सीआईएससीई स्टैंड्स फॉर यार फुल फॉर्म कौन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस देखंतु जहाँ क्वेश्चन होचे ताको भलसे मन रखंतु पढ़ंतु आ मोर हौसला बढ़िया पई लाइक करबा को केबे भूलंतु नी कहिना लाइक कम कर देले मते भल लागिबनी ठीक अछि।
ठीक अच्छे बाय। वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर तो निहती करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु फर्दर नोटिफिकेशन पाई।